हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे श्री गणेश किचन में। आज हम बनाने वाले कस्टर्ड केक, जो दुनिया का सबसे आसान केक है। हम इसे बिना अंडा, बिना ओवन, बिना कंडेंस मिल्क के बनाएंगे, फिर भी आप देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम केक टिन ले लेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, इस तरह से पूरे केक टिन में। और अब हम इसमें थोड़ा मैदा छिड़केंगे। मैदे को सब तरह से इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से पूरे टिन को कोट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम इस तरह से प्लेट में निकाल देंगे। ये हमारा केक टिन अब तैयार हो गया है। अब हम लेंगे चेरीज। अगर आपके पास चेरीज नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी आप केक को बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा। चेरीज और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आइए अब हम एक पैन को प्रीहीट कर लेते हैं। इसमें एक स्टैंड रख लेते हैं और इसे ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लेते हैं। अब हम केक का बैटर बनाएंगे। तो इसके लिए एक बोल में हम लेंगे 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। ऑयल की जगह आप बटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयल से इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, यानी कि ये ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर डाल रहे हैं। पाउडर शुगर यानी हमने नॉर्मल चीनी को घर में ही ग्राइंडर जार में पीस कर लिया है। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि दूध रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। बेकिंग में आप कोई भी सामान यूज करें तो वो ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम एक दूसरा बाउल ले लेंगे और उसके ऊपर एक छलनी रखेंगे इस तरह, और इसमें हम लेंगे 1.5 कप मैदा, और ये 1 कप, और ये 1/2 कप हमने मैदा लिया है। और इसमें डालेंगे हम 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। और साथ ही में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ही आपको लेना है, बेकिंग सोडा नहीं। अब इन सभी चीज़ों को हम छलनी से छान लेंगे। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो दूध और ऑयल वाला मिश्रण बनाया था उसमें हम इस मैदे और कस्टर्ड मिक्स को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। एक ही बार में सारा मिक्स नहीं डालना है और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालें। और ये सारे मिक्स को हमने इसमें डालकर अच्छे से मिला लिया है। अब इसका हम एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। एक भी लम्स इसमें नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए, हमारा बैटर इस तरह का बना है। ये नॉर्मल से थोड़ा सा लूज है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। इससे आपका केक बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनेगा। अगर आपको लगे कि आपका बैटर बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया तो आप उसमें मैदा थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, और अगर थोड़ी थिक लग रही है आपको तो उसमें आप थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हैं। अब हम ये चेरीज इसमें डाल देंगे और इसे बटर के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये बटर हमारा रेडी है, बिल्कुल स्मूथ बटर बना है ये। तो इसे हम केक टिन में डाल देंगे और डालने के बाद इसके ऊपर भी थोड़ी सी चेरीज डाल देंगे। और इसे हम पैन में डाल देंगे जो हमने प्रीहीट किया था, और इसे ढककर बेक करेंगे हम 40 से 45 मिनट तक लो फ्लेम पर। आप इसे बीच बीच में ढक्कन हटाकर ना देखें, इससे केक खराब हो जाता है और स्पंजी नहीं बनता है। अगर आप इसे ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसे सेम टाइम में बेक कीजिए 180 डिग्री पर। पूरे 40 मिनट हो गए इसे लो फ्लेम पर पकते हुए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बेक होने के बाद केक हमारा कितना सुंदर लग रहा है। इसे हम टूथपिक से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल क्लीन निकला है। तो इसका मतलब है केक हमारा एकदम अच्छी तरह से पक चुका है। अगर आपकी टूथपिक क्लीन नहीं निकलती है तो इसे ढककर 5 से 10 मिनट और पका लें, केक आपका रेडी हो जाएगा। अब हम इसे पैन में निकाल लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे।
अब इसके किनारों को इस तरह चाकू लगाएंगे ताकि केक ट्रे से इजली बाहर आ जाएगा। इस तरह से पलटते हुए 2 से 3 बार टैप करेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया केक हमारा बनके तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छे से बाहर निकला है। मुझे इसे बेक करने में पूरे 40 मिनट लगे हैं। हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 50 से 55 मिनट भी लग सकते हैं, 60 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि हर एक के गैस का फ्लेम और बर्तन के भारीपन या हल्कापन पे डिपेंड करता है कि केक कितने देर में बेक होगा। केक बहुत ही सुंदर और टेस्टी बना है, एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट और स्पंजी बना है और इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट के फ्रूट केक जैसा है और बच्चे भी इसे बहुत लाइक करते हैं। बच्चे तो देखते ही खुश हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।